तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी एनटॉप में साइड मिरर्स। तो बीच में कुछ वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी एनटॉप में साइड मिरर लगे थे, और फर्स्ट वीडियोस में नहीं थे। मैंने जो वीडियो बनाई थी एनटॉप मैंने जब ली थी, तो उस समय मेरे को इसके जो ओनर थे उन्होंने साइड मिरर्स नहीं दिए थे। तो अब मैं इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ साइड मिरर, और ये बहुत सिंपल वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में मैं एनटॉप के साइड मिरर्स नहीं इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उतने कुछ खास पसंद नहीं आए। तो मैं इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ होंडा शाइन या होंडा डीओ के। तो इसका लुक मेरे को काफ़ी पसंद है, इसीलिए मैंने ये इंस्टॉल कर रहे हैं। और इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये आता है, मतलब ये लोकल है, ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि बात बराबर रहती है, ये भी लड़ता है तो टूट ही जाता है। वैसे मेरे से इतनी लगती नहीं है स्कूटी, मतलब आज तक लगी तो नहीं है स्कूटी, बट तो भी मैं इस वाले को लिया हूँ लोकल, क्योंकि ये चीप भी मिल जाता है। उसमें कुछ नहीं तो 250 रुपीज़ का एक ये मिलता है, और इस ये मेरे को 180 या 190 में कुछ ऐसे ही मिला था मेरे को, दो मतलब एक पेयर पूरा मिल गया था मेरे को। और ये लोकल है, कोई ऐसी कोई ब्रांड होगा, ये देखिए रेलक्स कुछ करके है। तो इसको मैं इंस्टॉल करने के लिए इसकी जो आगे वाली वो आती है एक्सटेंडर टाइप का, उसको मैंने लगा लिया है, क्योंकि वो थोड़ा सा पार्ट जो है डिफ़िकल्ट है। इस उसके लिए आपको पहले पैनल खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइक के हैं, और बाइक के जो एक्सटेंडर होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो इसीलिए पूरी अंदर तक स्कूटी के चले जाते हैं। तो ये यहाँ से हम लोग टाइट नहीं कर सकते इसको, तो इसीलिए मैंने इसको पहले खोल के अंदर तक एकदम इंस्टॉल कर लिए थे। देख सकते हैं आप लोग, ये वाला तो एकदम ही अंदर गया है, ये वाला तो भी कुछ बाहर है, क्योंकि इस साइड के जो एडजस्टमेंट है ये थोड़ी सी लूज़ हो गई, देखिए हिल रहा होगा, तो इसको मेरे को सही करना है। तो अब इस साइड मिरर को इंस्टॉल करते हैं। तो ये एकदम ही ईजी प्रोसेस है, बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे साइड मिरर को लगाना है। और इसको ऐसे ऐसे रोटेट करना है, एक बार मैं इसको कर लेता हूँ। ये देखिए हाँ, ये अच्छे से इंस्टॉल हो गया है, मतलब उसमें फिट हो गया है ग्रूव में, बस अब इसको टाइट करना है। और ये एंटी क्लॉकवाइज जैसे खोलते हैं चीज़ें, ये वैसे टाइट होता है। तो इसको एक बार मैं जल्दी से एक साइड का इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे वाइजर में लड़ जाता है आते हुए, ये देखिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे नीचे था ना तो लड़ जा रहा था, तो इसको ऊपर कर लिया हूँ। तो अब इसको मैं थोड़ा सा खींच के टाइट करता हूँ, क्योंकि नट आने वाला है, तो इसीलिए थोड़ा टाइट हो गया ये। तो ये लग गया है, अब बस इस नट को ऐसे थोड़ा साइड मिरर हिला के इसको बस ऐसे स्पैनर डाल के टाइट कर देना है, तो ये फिक्स हो जाएगा। अब दूसरे साइड का मैं इंस्टॉल करता हूँ। ये जो डीओ के साइड मिरर्स हैं, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए थे होंडा ने। इसको मैंने अपनी एक्टिवा में भी सोचा था इंस्टॉल करने को, बट वो तो जानते ही आप लोग सेल हो गई। ये वाला यहीं पे लॉक हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा ढीला कर देता हूँ पहले, तो अभी ढीला रहेगा, बट इसको मैं फिर ऐसे नट से इसको टाइट कर दूँगा, थोड़ा सा लूज करके फिर नट से इसे टाइट कर दूँगा, तो ये काफ़ी टाइट हो जाएगा। देखिए अभी ये होने लगा मैंने जब नट टाइट किया, तो बस इसको पहले एडजस्ट कर लेता हूँ शीशे को, और फिर नट से टाइट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैंने साइड मिरर को अच्छे से टाइट कर लिया है, और अभी मूव नहीं कर रहे हैं, और ये वाला भी इधर अच्छे से टाइट हो गया है। और इन शीशे से, इन साइड मिरर से, मतलब लुक तो बहुत अच्छी आती है, और साथ में ये जो है बड़े साइड मिरर्स हैं, तो इसीलिए इनसे व्यू भी अच्छा मिलता है। और ये जो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हैं, एडजस्ट कैसे भी हो जाते हैं ये देखिए फ्रंट तक में आ जाएगा ये, तो इसीलिए ये साइड मिरर्स मेरे को बड़े अच्छे लगते थे, मतलब लगते हैं।
तो इसीलिए मैंने इसको अपनी एनटॉक में इंस्टॉल किया है। और ये काफ़ी चीप भी पड़े मेरे को, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 180 और 190 रुपीज़ में मेरे को दोनों मिल गए। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और मेरे मतलब इस वीडियो को लाइक सॉरी और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर देगा, एक छोटा सा कमेंट कर दे कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बाय।